जय हिंद दोस्तों। भारतवर्ष में पतियों के लिए कोई कानून नहीं है, या यूँ कह लीजिए कि एक पक्षीय महिलावादी या पत्नीवादी कानूनों से त्रस्त होकर रोजाना कई पति पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं। तेजी से समाज बिखरता जा रहा है, संयुक्त परिवार बिखर रहे हैं, डिवोर्स के केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस मामले में कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट कई दफ़ा सख्त टिप्पणियां कर चुकी हैं, लेकिन सरकार जो है वो आंखें मूंद कर कुमकरी नींद सोई हुई है। लेकिन इस बीच में बहुत सारी एनजीओ हैं जो कि पत्नी से पीड़ित पतियों की मदद करती हैं, उन्हें मोटिवेट करती हैं, कानून के बारे में ज्ञान बताया जाता है कि आप ये रेमेडी ले या आप ऐसा करें, घबराए नहीं। तो ऐसी बहुत सारी एनजीओ बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और पुरुष आयोग की मांग कर रही हैं, लेकिन पुरुष आयोग सरकार नहीं बना रही। सरकार कुमकरी नींद सोई हुई है, सब कुछ जानते हुए भी मौन है। मैं सभी एनजीओ को प्रार्थना करता हूं कि आप सभी एक हो जाएं, क्योंकि जब हम लोग एक होंगे तो निश्चित ही जो हमारी मांग है पुरुष आयोग की, वो जल्द ही सरकार को पूरी करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि एक दफ़ा एक चिड़िया जा रही थी समुंदर से अपने बच्चों को लेके, लेकिन जो बच्चे थे उसके वो समुंदर में गिर गए। तो चिड़िया जो थी उसने तुरंत अपनी चोंच से पानी की बूंदों को समुंदर से बाहर निकालना शुरू कर दिया। ये देख के एक अन्य चिड़िया भी आई तो उसने पूछा कि बहना ये क्या कर रही हो? तो चिड़िया ने बोला कि मेरे बच्चे इसमें गिर गए हैं तो मैं समुंदर को सुखा रही हूँ। दूसरी चिड़िया ने कहा कि तेरे अकेले बूंद बूंद से कोई समुंदर थोड़ी ना सूख जाएगा। तो उसने कहा नहीं, मैं तो समुंदर को सुखा के ही मानूंगी। उसकी हिम्मत को देखते हुए दूसरी चिड़िया भी बूंद बूंद उठाने लगी। अन्य भी चिड़ियाँ आई, उन्होंने देखा कि ये चिड़ियाँ क्या कर रही हैं। जब उनको सारी बातों का पता चला तो वो भी इस कार्य में जुट गए। चिड़िया को देख के अन्य समाज के जो पशु पक्षी थे वो भी आए, उन्होंने देखा कि जब ये नन्ही सी चिड़िया ये समुद्र को सुखाने की हिम्मत रखती है तो क्यों ना हम इनकी मदद करें। तो सब लोग उसमें जुट गए, एकता बन गई और समुद्र को सुखाने लगे। तो जब समुंदर ने देखा कि ये तो मुझे सुखाकर ही मानेंगे, तो समुंदर ने कहा हे प्रभु, हे ऊपर वाले, मुझे इनसे बचाइए, क्योंकि ये तो सुखाकर ही मानेंगे मुझे। तो तब ऊपर वाले आए, उन्होंने उस चिड़िया के दोनों बच्चे लौटा दिए। तो ये होती है एकता की ताकत। तो हमें दोस्तों ऐसे ही चिड़िया बनके, पक्षी बनके इकट्ठे होकर सरकार को जगाना है और पुरुष आयोग लाना है। सभी एकता के साथ, सभी हिम्मत के साथ एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ेंगे और पुरुष आयोग बनवा कर ही छोड़ेंगे। पुरुष आयोग जिंदाबाद, पुरुष आयोग जिंदाबाद।